रिसाली नगर निगम क्षेत्र में मितानी बहनों का सम्मान किया गया। इस मौके पर राज्य के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधिवत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात मितानी बहनों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, साथ ही उनके किए गए कार्यों की सराहना की गई। उपस्थित लोगों को राज्य के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ने संबोधित किया। ये आप सबसे आग्रह नीचे के स्तर तक ऊपर से नीचे करके हमें जनता योजना बनाए हैं। लगभग 51 वर्ष योजना हमारी सरकार ने बनाए नया 51, और वो योजना लगभग 25 की योजना हमारे मैदानी इलाका में और लगभग 25 योजना फॉरेस्ट इलाका में सरगुजा अंबिकापुर बस्तर आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उनका क्रियान्वयन हमारे मितानीन बहनों के द्वारा संपन्न होता है। कोरोना काल में भी हमारे मितानीन बहनों ने बहुत ज़्यादा काम इस पर किया। स्वास्थ्य विभाग के हमारे CMO हैं, BMO हैं, सिविल सर्जन हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के चिकित्सक हैं, सभी लोगों ने मिलके कोरोना काल में जो काम किया, एक तो उसकी बात जानकारियां हम लोग लेना चाहते थे, दूसरी बात जितनी भी हमारी योजनाएं हैं जिसका क्रियान्वयन नीचे स्तर पर ग्रामीण स्तर पर हमारी मितानी ने करती हैं उसकी भी फीडबैक लेना उसके अंदर था कि हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन कितना सही ढंग से हो रहा है, उसमें और क्या कमी महसूस करते हैं, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या उसमें और जोड़ा जा सकता है, कितना बेहतर परिणाम उसका मिल रहा है, कहीं कोई कमियां तो नज़र नहीं आती, इन सब बिंदुओं को लेकर के आज का कार्यक्रम था। मितानिनों ने भी अपनी बातें रखी, हम लोगों ने भी सरकार की योजना पर चर्चा किया। जी, अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद केंद्रीय बैंक के जो अध्यक्ष प्रीतपाल बिलचंदन जी को गिरफ्तार किया गया था, ऐसा ही एक मामला महादेव ऐप में सामने आया है जिसमें पूर्व भाजपा मंडल चरोदा का अध्यक्ष है जो महादेव ऐप का पैनल चलाता है और मास्टर माइंड भी होता है। देखिए, पुलिस के सामने जो प्रकरण आता है और जितना प्रमाण सामने आता है उसके अनुसार होम डिपार्टमेंट पुलिस विभाग अपना काम करती है, किसी को भी बख्शने का काम नहीं है, लेकिन हम नियम के विपरीत काम नहीं कर सकते। जो जो बातें सामने आती जाती हैं, जो परिस्थितियां आती हैं उसके अनुरूप हम लोग कार्यवाही करते हैं। किसानों को खाद मिलने में समस्या आ रही है क्योंकि जो पोर्टल है वो 4 दिन से बंद है। मैं जानकारी ले लूँगा, ऐसी कल तक तो कोई जानकारी मुझे मिली नहीं थी क्योंकि कल भी कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मैंने बैठक किया था तो इसकी कोई जानकारी आई नहीं थी। और बराबर खाद है, दवाइयां हैं, बीज हैं, सभी के भंडारण वितरण इसमें कारगर ढंग से काम विभाग के द्वारा किया गया है।